तो गाइस देख सकते हैं आज हमारे साथ श्री जुड़ गई हैं। तो ये यूरोप में जॉब कर रहे हैं, डायरेक्टली इंडिया से इनको जॉब मिला था। तो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कैसे हम लोग इंडिया से डायरेक्टली यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो आप बताइए आपको मतलब जॉब कैसे मिला, थोड़ा बताएंगी? मुझे जॉब मिला है लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे हमेशा एक्टिव रहना, कीप अपडेटिंग योर रिज्यूमे और कीप अपलोडिंग। ओके। कीवर्ड्स बहुत नेसेसरी है। कीवर्ड्स वही इस्तेमाल करो अपने रिज्यूमे में और ऑल्सो अपने प्रोफाइल पे। अच्छा। ताकि जो रिक्रूटर्स है वो आप पहचान ले और वो खुद आपके पास आएंगे। अच्छा, तो लिंक्डइन आपको मदद किया था? एब्सोल्युटली। अच्छा, और फिर वीजा वजह का मतलब सबको ही, बहुत से लोग क्या होते हैं कि मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं क्योंकि यूरोप में आने के लिए। तो वो कैसे पता चला? आई थिंक आई वॉज लकी क्योंकि मेरी कंपनी में उन्होंने खुद ही सब कुछ वीजा करवाया। अच्छा। एक महीने के अंदर अंदर आई वॉज इन। अच्छा, तो अभी आप लाटविया में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे मतलब वर्किंग लाइफ कैसा है स्पेशली यूरोप में? वर्किंग लाइफ बहुत अमेजिंग है क्योंकि लाटविया में वो लोग वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा। कभी भी प्रेशर नहीं करते हैं। 9 to 5 जॉब हो तो 9 to 5 जॉब ही रहेगा, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जियोगे, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, अपनी फैमिली के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे। अच्छा। तो मतलब कोई भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फील्ड में हो तो ट्राई कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली ट्राई कर सकते हैं। लिंक्डइन से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई भी हो डेफिनेटली अगर स्किल्स सब कुछ अच्छा रहेगा तो जब जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट? बट लिंक्डइन पे हमेशा एक्टिव रहना, रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हो आप, और कोई भी कंपनी का नाम जानते हो कंपनी में जाओ, कंपनी का एक प्रोफाइल होगा लिंक्डइन पे, वहाँ पे एचआर को ढूंढो, लेक्चरर्स को ढूंढो और वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट करो, अपना प्रोफाइल दो। और कुछ इंटरव्यू टिप्स कैसे, कुछ है इंटरव्यू टिप्स? हाँ, इन बहुत से लोगों का इंटरव्यू पे चला जाता है, वैसे हाँ, कुछ टिप्स बता सकते हो? वैसे जैसे मेरा टेक्निकल साइड है तो मेरे लिए सिर्फ टेक्निकल ही ज्यादा मायने रखता है, तो बताऊं से टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग हो ना, दे विल टेक इट। और रिज्यूम वगैरह मतलब कैसा रहना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह? यस, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेशंस हो, डेफिनेटली मेंशन करना, और सिर्फ रिज्यूमे में नहीं, प्रोफाइल पे भी मेंशन, प्रोफाइल में भी। यस। और ओपन टू वर्क का ऑप्शन होता है ना, हमेशा खुला रखना ओपन टू वर्क। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं इनके कहने का मतलब सिर्फ लिंक्डइन के द्वारा आप बहुत से काम कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे अभी ये वर्क कर रही है यूरोप में, ये बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रही है, 1 ईयर हो गया शायद आपको यूरोप में, 1.5 ईयर में, और ट्रैवल भी करती है, बहुत सारे कंट्रीज में घूम चुकी है। कितने कंट्रीज में घूम चुकी है? 38 कंट्रीज में घूम चुकी है। अभी कितना घूमने का है? All the countries in the world. Yes. तो देख सकते हैं हम लोग, लोकेशन भी बहुत अच्छा है जो कि डोलोमाइट्स का टॉप लोकेशन पे हम लोग हैं। तो सोचा कि एक वीडियो ले लें, इनका एक्सपीरियंस शेयर कर लें ताकि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनका हेल्प होगा। तो गाइज लिंक्डइन पे एक्टिव रहना बहुत ही हेल्पफुल रहता है, राइट? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। थैंक यू, सी यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।